हमारा ऑरेंज चिकन और एग फ्राइड राइस तैयार है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम एग फ्राइड राइस एंड ऑरेंज चिकन बनाएंगे। राइस के लिए हमें चाहिए चीज़ें, चावल 1.5 कप, बंद गोभी, सिरका, थोड़ा सा चिकन, गाजर, मटर, काली मिर्च, सोया सॉस, बेल पेपर, लहसुन, अंडा, चिली सॉस, नमक, सब्ज़ प्याज जो गार्निश के लिए। ऑरेंज चिकन के लिए हमें चिकन चाहिए बोनलेस, ये थाई का मीट है, इसका ये 2 पाउंड है। इसमें सिरका जाएगा, कॉर्न स्टार्च, सोया सॉस, काली मिर्च, अंडा और थोड़ी सी ये कुटी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिरका, कॉर्न स्टार्च, सोया सॉस, काली मिर्च और ये अंडा जाएगा, इसमें थोड़ी सी ये कुटी मिर्चें जाएंगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको मैं 10-15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। इसकी सॉस के लिए मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, सोया सॉस, काली मिर्च, ब्राउन शुगर एंड सिरका। चावलों के लिए मैंने पानी रख लिया, उबाल आएगा तो इसमें चावल डालूंगी और चावल उबाल लूंगी। बस चावल तैयार करते हैं। ये मैंने पैन रख दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। इसमें मैं थोड़े सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा। इसमें मैं चिकन डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लहसुन भी डाल दूंगी साथ में। अब चिकन का कलर चेंज हो गया, ये ऑलमोस्ट गल गया है। देखें, इसमें अब गाजर डालेंगे और मटर डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसमें बेल पेपर डालेंगे, सोया सॉस, सिरका, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक, बंद गोभी, ये मैंने अंडा फ्राई कर लिया था। ये जो हमने चावल और बॉईल किए थे वो हैं। अब इसको मिक्स करेंगे। चंद कतरे सेसमी ऑयल का डाल के तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए मैंने ऊपर की कढ़ाई रख लिया, इसमें अब तेल डालेंगे। इसको डीप फ्राई करना है। अब ये गर्म होगा तो फिर चिकन को फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा और कॉर्न स्टार्च डालेंगे, थोड़ा सा, मैं भूल गई थी, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। ये क्रिस्पी ज्यादा बनेगा इसका। ऑयल को देखते हैं, गरम हो गया ऑयल हमारा, गरम हो गया, ये बबल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके डालना है।
इसमें चिपके ना। इसको मैं डबल फ्राई करूंगी, एक दफा फ्राई करके निकाल लूंगी, उसके बाद फिर फ्राई करूंगी। इस जाली के ऊपर निकाल लूंगी। ये गोल्डन सा हो गया, इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारा चिकन अपना फ्राई कर लेंगे। सारा फ्राई हो गया है, अब हम इसको डबल फ्राई करेंगे। ऑयल गरम है, अब सारा ही डाल देंगे। इसको हम गोल्डन डार्क गोल्डन ब्राउन करेंगे। चावल तैयार है, इसके ऊपर थोड़ा सा सबस, ये सबस प्याज डालते हैं गार्निश के लिए। अब ये ब्राउन हो गया, इसको अब निकालते हैं। अब हम सॉस बनाएंगे। ये ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज जूस है एक कप। इसमें सोया सॉस डालेंगे, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्राउन शुगर, सिरका, थोड़े से वो माल्टे के ऊपर से छिलके लिए थे मैंने, स्टार्च डालेंगे। ये चूल्हा मैं इसका ऑन कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, और मैं इसमें ये लहसुन डालूंगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ। सास ऑलमोस्ट हमारी तैयार होने वाली है। मैंने नमक, इसमें सोया सॉस गया था इसलिए नमक चख के डालना चाहिए, मैंने थोड़ा सा मुझे कम लगा था, मैंने डाल लिया। ये भी हमारी सास तैयार होने वाली है। इसमें चिकन डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और चूल्हा बंद कर देंगे। बस प्याज डालेंगे गार्निश के लिए, और थोड़ी सी तिल डालेंगे, हमारा ऑरेंज चिकन तैयार है। ओके, हमारा ऑरेंज चिकन और एग फ्राइड राइस तैयार है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी ट्राई करें, ये बहुत इजी रेसिपी है। और खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।